ये जानपद क्षेत्र को फ्लोट से फील्ड को जो है जानपद जंगमा डॉक्टर एस के करीम खान की खिदमत है। उत्तर कर्नाटक में आज भी जो है जो जनपद आड़गुड़ो मुसलमान के बहुत आर्टिस्ट आए हैं, ये नहीं है, लेकिन बेंगलुरु के आएंगे जो मोबिलाइजेशन जागतिकरण जो बोलते हैं वो बीच में सब भी कम हो रहा है। ऐसे इसमें से कमिटेड हिदायत अहमद जो मोन मेन फाउंडर है, बच्चों को अच्छा ट्रेनअप करते हैं, इस थ्रू से ये काम की कार्रवाई के थ्रू से ये देश में ये राज्य में कम्युनल हारमोनी और भाषा सामरस्य कौम सामरस्य दो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये करना है। ये फॉल्स पे भी नहीं है, जो जमीन का लैंग्वेज है, जमीन की जो कल्चर है, ये मोबिलाइजेशन वेस्ट जर्मन कल्चर के बीच में जो बच गए है, ये हमारे पुराने रिवायत पुराना सिस्टम जो है बच रहा है। इस रंगाचार्य का चैरिटेबल ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से एक अच्छा मैसेज स्टेट में करे। कर्नाटक के चेयरमैन दो तीन ओवर के साथ थे और हमारे स्पर्शा के एनजीओ के एक्टिव हमारे उनके मुकेश और बेंगलुरु सिटी के सिंडिकेट मेंबर और रंगाचार्य के वैल्यू शेफ हमारे गोपी साहब पार्श्वनाथ, ऐसे सेक्युलर सेटअप और ये फ्लोट टीम को जो सपोर्ट करने वाले टीम अल्हम्दुलिल्लाह सब देखे कामयाब हुआ। ये हिस्टोरिकल जानपद उत्सव जो है सक्सेस हुआ है, बारिश होने की वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह था बहुत कामयाब हुआ है। सर जैसा कि आपने बताया कि एस के करीम खान हो, शिशुनार शरीफ या निसार अहमद हाल ही में इंतकाल कर गए, ये सब लोग जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। निसार अहमद सब नवीय काव्य ಇವರು ಜಾನಪದರು ನಮ್ಮ ಶಿಶುವಾಳ ಶರೀಫರು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಜಂಗಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕವಿತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮದುವೆ ಆಯ್ದು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಕೆ ಕರೀಮ್ ಖಾನ್ ಅಂತವರ ಕೊಡುಗೆ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಡನಾಟ ತುಂಬ ಅದೇ ಪಹಲೆ ಕೊಡಂಬಳ್ಳಿ ವಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೊಡಂಬಳ್ಳಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕ್ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಪರಾಟೆ ನೀತೆ ಮಜಬೂರ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಭೇಜ್ತಾ हमें कला स्कूल को जाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेट पर है ये कम्युनिटी के अंदर और कम्युनल आर्मी की कुंडी होकर काम कर रहा है, तो बहुत फखर है। ये जो लोक पद है इसको जनपद कहते हैं, सो आज जो है विश्व जनपद दिनाचरण है, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ये मैं नहीं करूँगा तो कौन करेंगे बोल के, लाइक वी सेलिब्रेट हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन, पॉल्यूशन डे, डिफरेंट डेज भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी एक प्लेटफॉर्म में लाना है, विश्व जनपद दिनाचरण, ये बहुत अहम है। बीइंग एन आर्टिस्ट मैं एक कलाविदा होने की वजह से तो इसको एक अच्छी तरह से एक पहला हमारा एक प्रयत्न है, ये स्टेप है, सो ये खुदा का कर्म है कि जाते जाते इसका इसकी सक्सेस जो है ऐसी ऊंचाई छी रही है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ जो लोग भी जो है मुझे पीछे से आगे से दाएं से बाएं से हर जगह से जिसने भी सपोर्ट किया उसको मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार। ये सब कुछ देखते हैं तो एक मजहब से इसे जोड़ दिया जाता है, एक मजहब का रस्म और रिवाज है ऐसा समझा जाता है। आज जो भारत को तोड़ने की जो शादी से चल रहे हैं हिंदू मुसलमान के मुसलमान को जो लेकर ये उसको मिटाने की एक हमारे तरफ से एक लाइक बींग इंडियन हमें भारतीय हैं ये भावैक्यता जो है राष्ट्रीय भावैक्यता जो है उसको हम पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में सारना है। भारत एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है, सो मैं भारतीय होने के नाते से इस जो कलाओं को मैंने अपने बदन में ले लिया ये बहुत बहुत ही बड़ी एक देन है, भारत में पैदा होने की एक भारतीय होने की एक बहुत देन है। तो मैं जो जितने भी चाहे साजिशें कर ले हम मुसलमान और हिंदू को तोड़ने के लिए वो हरगिज़ ये साजिशें में कामयाब नहीं होंगे, यही बेस्ट एग्जाम्पल है, ये प्रोग्राम ही बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब से परे है मतलब मैं ही एक बेस्ट एग्जांपल हूँ, आर्ट से जो है आर्ट से किसी का भी मतलब नहीं होता, कन्नड़ में कहते हैं कि कले की जाति आउद इला, तो ऐसे कोई भी कले के लिए जाकिर हुसैन को ले लीजिए आप, थानसेन को लीजिए, तो एक कले को जो एक जो कला को जो है किसी की जाति की जरूरत नहीं होती, वो इंसानियत को देखता है। हिदायत अहमद से प्रेजेंटली सिंडिकेट मेंबर कर्नाटक का जनपद विश्वविद्यालय। हमारा फाउंडेशन जो है रंगाचार्य का फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये फाउंडेशन ट्रस्ट से जो है ऐसे कलाओं को हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, इसके बारे में हमारे मिसेस मैनेजिंग ट्रस्टी हजरत खान बात करेंगे।
कितनी खुशी का दिन है आज। हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है। आज पूरा वर्ल्ड फोकलोर डे जो मना रहा है, आज हम उसी जनपद दिवस को हम युवा जनपद उत्सव करके हम मना रहे हैं। और हमारा ट्रस्ट पूरे यंगस्टर्स को कॉलेजिन अंगळदल्ली जनपद, शाला अंगळदल्ली जनपद बोल के जो अभी बात की हिदायत अहमद, वो सबको बच्चों को ट्रेन करते हैं, अच्छे से ट्रेन करते हैं। ये फोकलोर का जितने भी फॉर्म्स हैं उन हर फॉर्म्स को वो ट्रेन करके उसको स्टेज पे लाते हैं। और आजकल जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसमें कहीं ऐसे कलाओं का पीछा रह जा रहा है, इसलिए आज इसलिए हम इस कार्यक्रम को या इस महफिल को एक जमा के हम यहाँ एक क्या बोलते हैं जलसा के रूप में किए, तो बहुत खुशी की बात है। और बहुत जल्द हम इसका सर्टिफाइड कोर्स सब स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये हूँ, पोएटिस हूँ, मैं पोएट हूँ, हिदायत आर्टिस्ट हैं, तो वो सबको ये करते हैं, लेकिन मैं उनको सपोर्ट बनके और रंगाचारक की मैनेजिंग ट्रस्टी बनके इन सब चीज़ों को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ और आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो हमारा रंगाचारक ट्रस्ट का यही एक ये है। इट्स अ वेरी बिग एफर्ट फ्रॉम द रंगाचारक फाउंडेशन ट्रस्ट एंड द फाउंडर हिदायत एंड देयर फैमिली and also Hazira Begum, she is a wonderful kavyatri, and they are all dedicated for the folk culture of Karnataka. And their father Samiulla Khan sir, and he is a syndicate member of Janapada Karnataka University, and a wonderful family who are dedicated for entire Karnataka, like folk culture of Karnataka. They are from I am seeing from last 20 years Hidayat and their family completely dedicating to folk culture of Karnataka. And also they spend their time to develop the children ability with regard to folk, inbuilding the folk culture in children, not only rural children and also across nation. He has traveled across nation and also has gone, he crossed the even India also. Now he is going across, and the Rangacharaka Foundation is doing a very big work, and they are inculcating the ability in the folk culture at every child and every youth. Today is a international Yuva Janapada day, and which has been celebrating in Rangamandira, is a very big day. And also for this Dr. T.S. Nagavarna sir has inaugurated this program, and he spent more than 2 hours in the program. It was wonderful, and more than 40 folk culture students and people came across Karnataka, and many colleges also participated. We all appreciate, we all pray and wish this organization to grow and nationwide and reach every corner of India. Thank you very much. You good name, sir? I am Gopinath. You are syndicate member. I am a syndicate member of Bangalore University and one of the well-wisher of the Rangacharaka Foundation. Thank you.